So here is our all new Apache 160 RTR 2V Bluetooth edition top model. इसका और आज हम बताने वाले हैं क्या चेंजेस हुए हैं पुराने बाइक के कंपैरिजन में। जितना आप देख सकते हैं साइड स्टिकर्स में, ये पहले रेड स्टिकर्स आते थे ग्रे कलर वेरिएंट के साथ, अभी येलो हो चुका है। इसका ये नीचे वाला काउल चेंज किया गया है। इसके जो पीछे के टायर्स हैं इसको 120x17 वाइडर टायर्स कर दिए गए हैं, ट्यूबलेस। इसमें जो बैक लाइट है इसको चेंज किया गया है, इसको चेंज किया गया है। जो इंडिकेटर्स हैं इसको 4V मॉडल का दे दिया गया है। और साइड से आप लोग देखिए कैसा लग रहा है आपको। यहाँ स्मार्ट एक्स कनेक्ट की बैजिंग दे दी गई है, यहाँ रेसिंग सेंस 1982 की बैजिंग दे दी गई है, और ये फुल्ली डिजिटल कंट्रोल्ड क्लस्टर दे दिया गया है। इसको ऑन करते ही आपको दिखा देगा हाय उत्कर्ष केशरी, जिसमें ये मोड है, ये सेटिंग्स हैं। इससे आप मोड सेलेक्ट कर सकते हो, इससे आप चेंजेस कर सकते हो, लाइक सेटिंग एट टू ज़ीरो, ये लेफ्ट टर्न, ये इंजन का। अगर ये गाड़ी स्टार्ट करने के बाद अगर ये ऑन रहता है तो इट बेसिकली मीन्स कि आपकी गाड़ी में कुछ फॉल्ट है। ये ABS का है, ये पासिंग लाइट का है, ये न्यूट्रल, ये फ्यूल का है, ये राइट टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे गियर पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पे किलोमीटर्स, आपने कितने किलोमीटर्स गाड़ी चला दिए, ऑटोमीटर आई थिंक इट्स कॉल्ड, ये RPM है, ये स्पीडोमीटर है, ये इंजन फ्यूल है, ये फ्यूल ऑयल फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ टाइमिंग, यहाँ लैप टाइमिंग। और जैसे हम चेंज करके इसको देख सकते हैं, यहाँ पर एवरेज स्पीड आ जाएगा 32 km/h, यहाँ पर ट्रिप ए आ गया, और ये गियर इंडिकेटर है, ये ट्रिप बी आ गया, ये लैप टाइमर मोड हो गया, यहाँ पे लैप टाइमिंग मोड बता देगा किलोमीटर्स/h, और ये हाईएस्ट स्पीड आ गया। अभी मैंने कितनी हाई स्पीड पे गाड़ी चलाई हुई है ये वो दिखाता है। ये सबको आप यहाँ से सेटिंग ज़ीरो कर सकते हो। और ये बता सकते हैं यहाँ पर एक लाइट है, इसका बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ये गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर लाइट है। अगर आप किसी गियर को स्लो करके चला रहे हो, लाइक आपको थर्ड में चलना चाहिए, आप टू में चला रहे हो, तो वहाँ पे ये बता देगा कि आपको गियर अपवर्ड शिफ्ट करना है। अगर आप फास्ट चला रहे हो, गियर स्लो होना चाहिए, तो ये आपको गियर इंडिकेटर स्लो बता देगा कि आपको एक कम करना है। और बाकी आपको फ्रंट से दिखाते हैं, ये देखिए क्या सेक्सी लग रहा है ये। अभी हेडलाइट यहाँ का, इसका मैं एक बार आपको हाई बीम ऑन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए आगे का हेडलाइट, अभी मैं इसको आपको एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि स्टार्ट करने के बाद ये कैसा लगता है। ये देखिए कितना ना सेक्सी। अब मैं आपको इसका एग्जॉस्ट साउंड सुनाता हूँ। देखिए ये स्टाइल, तो जहाँ तक ये अभी साइड स्टैंड में है, अगर हम इसको अभी, ये देखिए अभी गाड़ी अभी साइड स्टैंड में है, फुल स्टैंड में है। अगर साइड स्टैंड में रहेगा तो फिर हम इसको अगर गियर शिफ्ट करने का कोशिश करेंगे तो ये ऑन होगा नहीं, क्योंकि अभी ये सारे बाइक्स में भी आ रहा है ऑटो स्टैंड मोड। तो अगर आपकी बाइक स्टैंड में है तो आप इसको ऑन तो कर लेंगे, लेकिन ये आपका गियर शिफ्ट होने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा इंजन। अब हम इसके आपको बटन्स दिखा देते हैं। ये है हॉर्न लाइट, ये लेफ्ट टर्न राइट टर्न, ये मोड्स हैं। इससे आप ये ब्लूटूथ बटन है, इससे आप कनेक्शन कर सकते हो, लैप टाइमर मोड ऑन कर सकते हो। ये है हाई बीम लो बीम, इधर पास का बटन दिया हुआ है। ये है मोड्स, अभी ये देखिए ये मोड्स का बटन है, इसमें हम मोड्स चेंज कर सकते हैं। अर्बन मोड जो है वो सबसे एफिशिएंट है, सबसे माइलेज एफिशिएंट है, ये सबसे आपको बेस्ट माइलेज देगा। और इसमें स्पीड और ब्रेक दोनों साइमल्टेनियसली लगते हैं और एक साथ लगते हैं, इसमें कोई मतलब ज़्यादा मतलब, इसको आपको रोड पे चलाने के लिए मतलब एज इन मार्केट में चलाने के लिए बेस्ट रहेगा, सूटेबल रहेगा, और ये बेस्ट मोड है माइलेज अच्छा लेने के लिए। ये है स्पोर्ट्स मोड, और
ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, स्पोर्ट्स मोड अभी मैंने कल यूज़ किया है और पावर आपको शिफ्ट होते हुए दिखेगा कि हाँ एक्चुअली स्पोर्ट मोड में वो पावर दी गई हुई है। और ये है रेन मोड, इसमें आपको ब्रेक्स का जो पावर है उसको बढ़ा दिया जाएगा, आपके रेसिंग स्पीड जो है उसको थोड़ी कम कर दी जाएगी और इसके ब्रेकिंग पावर बहुत ही बढ़िया है। और बात करते हैं स्पोर्ट्स मोड का, तो इसमें आपका पावर बढ़ा दिया जाएगा, ब्रेकिंग भी उतनी ही रहेगी, अच्छी रहेगी। और मेरे को अच्छी बात ये लगी कि तीनों मोड्स में आपका जो गियर इंडिकेटर चेंज होने वाला है वो सबका सब में स्पीड अलग है। जैसे अर्बन में है आपको 13-14 पे फर्स्ट गियर चेंज करना पड़ेगा, 20-22 पे सेकंड गियर चेंज करना पड़ेगा, 30-35 पे थर्ड गियर चेंज करना पड़ेगा, और 40 तक फोर्थ गियर, और 50 पहुँचते पहुँचते आपको फिफ्थ गियर लगाना पड़ेगा, जो कि स्पोर्ट्स मोड में बहुत ही डिफरेंट है। इसमें आपको और स्पीड अगर आप ज़्यादा जाते हो तो आप चेंज कर सकते हो जो, और इसमें आपको बेसिकली अगर सच बोला जाए तो आपको पावर समझ में आएगा, आप पावर फील कर सकते हो। तो ये रही, और अब आपको इसका ब्रेक्स, ये ब्रेक्स दिखाते हैं, सुपर मोटो ABS, ये देखिए सुपर मोटो ABS, और ये बहुत ही अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम है। और ये देखिए साइड व्यू देखिए इसका बाइक का, ये रहा फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू, और ये बैक व्यू। तो अभी के लिए चेंजेस मुझे तो इतना ही पता है। और हाँ, एक्चुअली इसका वेट जो है वो 2-3 kgs कम किए गए हैं इसके वेटिंग में, और इसके इंजन का पावर और पहले वाले बाइक से बढ़ाया गया है। और ओवरऑल ये बाइक अभी बहुत ही बेहतर हो चुकी है, ये पहले से ही बेहतर थी, अभी इसको और बेहतरीन कर दिया गया है। तो मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ, तब तक डू टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।